प्यारे बच्चों सत श्री अकाल, माई सेल्फ संजीव जाखड़, साइंस मास्टर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बगे के उतार फासिल। आज अपा क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव प्रजनन किवें करते हैं करन जा रहे हैं। बच्चों की तुसी सोचा है कि जीव अपनी गिनती दे विच संख्या दे विच वाधा किवें करते हैं? आप अपने आंढ़ गुआंढ़ विच देख रहे हैं जानवर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उनकी गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी गिनती क्यों बढ़ रही है? उनकी गिनती प्रजनन करके बढ़ रही है। तो प्रजनन एक यह प्रोसेस है जिसे में कोई जीव अपने वर्गी ही संतान पैदा करता है। प्रजनन मेरे लिए दो प्रकार का होता है। नंबर एक अलिंगी प्रजनन, अलिंगी प्रजनन, इसनूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर दो लिंगी प्रजनन, लिंगी प्रजनन, इसनूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अलिंगी प्रजनन जदों एक जीव तो ही नए जीव की उत्पत्ति होती है तो उसनू अलिंगी प्रजनन कहा जाता है। तो जदों नर अते मादा दो जीव मिलकर नवे संतान की उत्पत्ति करती है, नवे पीढ़ी की उत्पत्ति करती है तो उसनू लिंगी प्रजनन कहा जाता है। अज आप इस टॉपिक विच इस लैक्चर विच कला अलिंगी प्रजनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बारे विस्तार नाल पढ़ांगे। अलिंगी प्रजनन, अलिंगी प्रजनन अगे फर्दर फिर छह हिस्सों में वंडिया गया है। नंबर एक विखंडन, इसनूं फिजन भी कहा जाता है। नंबर दो खंडकरण, इसनूं फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। नंबर तीन बडिंग, नंबर चार पुनर्जन्म, इसनूं रीजनरेशन भी कहा जाता है। नंबर पांच कायिक प्रजनन, इसनूं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। नंबर छह बीजाणु बनना, इसनूं स्पोर फॉर्मेशन भी कहा जाता है। तां जिहड़ा अलिंगी प्रजनन है उसनूं अगे छे हिस्सों में वंडिया गया है, विखंडन, खंड करना, बडिंग, पुनर्जनन, कायिक प्रजनन, बीजाणु बनना। हुण आपां विखंडन राही प्रजनन दे बारे पढ़ांगे। नंबर एक विखंडन, इसनूं फिजन भी कहने हैं। इस प्रकार का प्रजनन एक सैली जीवन विच हुंदा है, एक बैक्टीरिया के प्रोटोजोआ विच हुंदा है। एक फिजन दे विखंडन दे बहुत सारे प्रकार जीवन विच वेखण नूं मिलते हैं, बहुत सारे ढंगे दे वेखण नूं मिलते हैं जीवन विच। आपां गल करदे हां अमीबा। तुसीं अमीबा दे स्ट्रक्चर नाल, अमीबा दी बणतर नाल भली भांति परिचित हो। यह अमीबा है, यह इसका केंद्रक है।
अमीबा दे विच विखंडन दी शुरुआत इहदे केंद्र दे विभाजन तों शुरू हुंदी है। इस दी अमीबा दी बॉडी दे विच एक खांच बननी शुरू हो जाती है, केंद्र तों विभाजित होना शुरू हो जाता है ते बॉडी विच एक खांच बननी शुरू हो जाती है। आज इसका केंद्र विभाजित होना शुरू हो गया ते एक खांच बननी शुरू हो गई है। एक खांच हौली हौली करते डूंगी हुंदी जाती है। एक खांच डूंगी हुंदी जाती है, डूंगी हुंदी हुंदी ए आपस दे विच मिल जाती है ते अमीबा को दो संतान अमीबा या आप कह दी बेबी अमीबा बन जाते हैं। देखो अमीबा एक अमीबा तो दो अमीबा बनने विखंडन राही, इसलिए इस विखंडन नु आपा दो खंडन कहिंदे हैं। की कहिंदे हैं? दो खंडन। हुण आपा मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम दे बारे गल करते हैं। ए प्लाज्मोडियम है ते ए इसका केंद्रक है। प्लाज्मोडियम विच एक सैल विच ही बहुत सारियां बेबी सैल बन जांदियां, छोटी छोटी बहुत सारियां सैल बन जांदियां ने जिन्हों आपां बेबी सैल या संतान सैल्स कहिंदे हैं। ते ए अपना है प्लाज्मोडियम, ए इस दे विच बन गईयां छोटियां छोटियां संतान सैल्स जिन्हों आपां बेबी सैल्स भी कह दिंदे हैं। इन्हां बेबी सैल्स दे चारे पासे एक ए मोटी परत हुंदी है, इसनों सिस्ट कहा जाता है, इसनों सिस्ट कहा जाता है। ए सिस्ट इन्हां प्रतिकूल परिस्थितियां विपरीत परिस्थितियां विच प्रोटेक्ट करके रखती है ते जदों प्लाज्मोडियम दे इन्हां बेबी सेल्स नूं अनुकूल वातावरण मिलता है, अनुकूल एनवायरमेंट मिलता है, उस टाइम ए बाहर वाली सिस्ट फट जाती है ते बेबी सेल्स रिलीज होके प्लाज्मोडियम दीआं बहुत सारियां छोटियां छोटियां सेल्स बना दिंदियां हन। ते इहदे विच एक सेल तों प्लाज्मोडियम दी एक सेल तों बहुत सारियां बेबी सेल्स बनियां ने, बेबी प्लाज्मोडियम सेल्स बनियां ने, इस लई इस विधि नूं बहुविखंडन कहा जांदा है, बहुखंडन। इस प्रकार आप देखते हैं कि विखंडन दे विच विखंडन दे वख-वख प्रकार दो खंडन बहुखंडन जीवां दे विच वेखण नूं मिलदा है। हुण आपां अलिंगीकरण दे दूसरे टाइप खंड करना, खंड करना इस दे बारे पढ़ांगे। इस नूं आपां फ्रैगमेंटेशन भी कहते हैं। इस प्रकार का प्रजनन असल दे विच सरल बहुशैली जीवां दे विच हुंदा है, जिवें कि स्पाइरोगाइट। स्पाइरोगाइरा एक बहुशैली जीव है। इसकी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होती है, इसकी बनतर होती है, इसके विच बहुत सारिया सेल्स होंदिया हैं, इसके विच क्लोरोप्लास्ट होंदा है, इसके विच इसका केंद्र, इस तरीके दी बहुत सारी इसके विच सेल्स होंदिया हैं। इस दे विच क्लोरोप्लास्ट है, इसका केंद्रक है। जदों स्पाइरोगाइरा पूर्ण रूप विच विकसित हो जाता है, एक फुली डेवलप हो जाता है, उस तो बाद ये अपने आप ही बहुत सारे टुकड़िया दे विच वंडिया जाता है ते हरेक टुकड़े विच एक या दो सैलां हो सकदियां हन। जिवें कि हुण इस लाइन तों मान लो इत्थों ब्रेक हो जाएगा, इत्थों इह टुट जाएगा, इहदे दो टुकड़े हो जाणगे, दो खंड हो जाणगे, इसे लई इस विधि नूं खंड करना या आपां नूं फ्रैगमेंट बोल सकते हैं। इसे लई इस विधि नूं आपां या तां खंड करना बोलते हैं जां फिर इहनूं फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। इह दोवें सैल दो टुकड़िआं विच वंडियां गईआं, इसका क्लोरोप्लास्ट
इज द केंद्रक, थले दूसरी सेल आ गई है, ए इज द क्लोरोप्लास्ट, ए इज द केंद्रक है, ए ए सेल का केंद्रक है, ए हम जो दो एक खंड बन गए है, ए दो एक खंड डेवलप होके फुली विकसित स्पाइरो वगैरह दे दो जीव बना देंगे। इस प्रकार ए खंड की विधि जी है बहु सैली जीवां विच हुंदी है, जिन्हां दी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल हुंदी है। इन्हां विच एक जिहड़ा जीव है वह बहुत सारे टुकड़ों में वंडिया जाता है, हरेक टुकड़ा विकसित होकर एक नवे जीव की उत्पत्ति करता है। तो इस प्रकार स्पाइरो वगैरह जिहड़ा है अपने संख्या दे विच अपनी जीवां दी संख्या दे विच वाधा करता है। आपां अलिंगी जन प्रजनन दे तीसरे टाइप पुनर्जनन या रीजनरेशन बारे पढ़ा है। नंबर तीन पुनर्जनन, इसनूं आपां रीजनरेशन भी कहते हैं। पूर्ण तौर पर विभेदित यानी कि डिफरेंशिएटेड हो चुके जीवां दे विच इस प्रकार दा विभाजन हुंदा है। पूर्ण तौर पर विभेदित हो चुके जीवां दे विच उन्हां दे शरीर दे वख-वख भागां तों नवे जीव की उत्पत्ति करन दी समर्था हुंदी है। कहने का भाव यह है कि जदों इस प्रकार के जीवां नूं दो या तीन भागां विच वंडिया जांदा है या ये दो या तीन भागां विच किसे कारण कट्टे जांदे हन तां इन्हां दे हरेक भाग तों नवे जीव की उत्पत्ति हो जाती है, जिवें कि हाइड्रा अते प्लेनेरिया। आपां इत्थे प्लेनेरिया दे बारे गल करांगे। प्लेनेरिया एक बहु सैली जीव है, जदों कोई भी कारणवश ये आपां प्लेनेरिया बना रहे हैं। ये प्लेनेरिया जीव है, मान लो किसी भी कारणवश ये इस जीव की बाड़ी इथों इहदा शरीर इथों तीन भागों में तीन हिस्सों में कटिया है। ये मैं तीन टुकड़े कर रहा इतने तीन टुकड़े हो गए हैं। इसके तीन टुकड़े हो चुके हैं। ये तीन टुकड़े की करेंगे तीन वखरे वखरे जीवां दे विच विकसित हो जाए। ये पुराना टुकड़ा है, इतने नवा टुकड़ा इतने बनना शुरू हो जाए। ये अपना इतने पुराना टुकड़ा है, ये थले नवा शरीर का नवी बॉडी बननी शुरू हो जाएगी। इसे तरीके उत्ते भी नवी बॉडी बननी शुरू हो जाएगी। जो थोड़ा टुकड़ा रह गया ये उत्ते भी नवे बॉडी जी विकसित होनी शुरू हो जाएगी। ये तिने अगे पूर्ण जीव दे विच पूर्ण जीव दे रूप विच विकसित हो जाएंगे। तो एक प्लेनेरिया तो तीन प्लेनेरिया बन जाएंगे। ये देखो जी हम एक प्लेनेरिया सीगा ते ए प्लेनेरिया किसी भी कारणवश तीन हिस्सों में वंडिया गया ते ए तिने हिस्से ही तीन नवे प्लेनेरिया के जीवों के विकसित हो गए। इस प्रकार के जनन नूं आपां बोलते हाँ पुनर्जनन या रीजनरेशन। ये जो रीजनरेशन है या पुनर्जनन है ये विशेष प्रकार दी सैलां दे द्वारा किया जाता है। इन्हां दे विच एक सैल सैल्स जिहड़ियां ने इत्थे जिहड़ियां सैल्स हुंदियां खास किस्म दीआं सैल्स हुंदियां ने ये सैल्स वाधा करदियां ने ते वादा होके होर नवीं सेल्स बनाउंदियां ने ते उहनां दे विच अगे डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाता है ते हौली हौली करके तीन पूरे जीवां का विकास हो जाता है।
हूँ आप अलिंगी जन्म के चौथे प्रकार बडिंग बारे चर्चा करें। हाइड्रा वर्गे कुछ जीव जिन्हां विच पुनर्जन्म की समर्था होंगी है, यह हाइड्रा वर्गे जीव जिहड़ी पुनर्जन्म की समर्था रखने वाली सैल्स होंदियां ने उन्हां दा उपयोग बडिंग विधि विच करते हैं। यह की करते हैं अपनी जिहड़ी सैल्स होंदियां ने जिन्हां विच रीजनरेशन की क्षमता होंदी है उन्हां दे विच नियमित विभाजन होंदा है, ते नियमित विभाजन होने करके उन्हां दे विच उन्हां दी बॉडी दे विच कितें भी एक उभार जिहा बनना शुरू हो जाता है। उस उभार नूं आपां की कहिंदे आ, बड कहिंदे आ, या उहनूं कई वारी आपां कली भी कह दिंदे आ। वह कली हौली हौली विकसित होकर एक पूरे जीव का निर्माण करती है, तो जो ये जीव पूर्णता विकसित हो जाता है यह अपने पेरेंटल बॉडी तो पितृक शरीर तो या आप कह दें भी जो मेन शरीर है उस तो वक्रा हो जाता है, तो वक्रा होकर अपना एक नवा जीव बना लेता है। हम आप हाइड्रा की गल कर रहे हैं, आप हाइड्रा बनाने पहला हाइड्रा हाइड्रा जीव है इसके टेंटेकल्स ने जिन्हों आप टहन भी बोल देते हैं, की कह देने आप टहन भी कह देते हैं। इतने शरीर कि हो सकता थोड़ा एक उभार बनना शुरू हो जाता है, इस उभार में आप बोलते हैं बड, की बोलते हैं बड, या फिर इसको आप कली भी कह सकते हैं, की कह सकते हैं कली। तो यह कली जी है हौली हौली वाधा कर विकसित होती हुई नवे जीव का शरीर बनाना शुरू कर देती है। इतने सी बॉडी ये थोड़ी वड्डी हो गई, इतने टेंटिकल्स बनने शुरू हो गए छोटे छोटे, ये बॉडी जी मेन शरीर है जिहड़ा आपां जिहनूं पेरेंटल बॉडी भी कह सकते हैं, ये पेरेंटल बॉडी उदा ही बनी रहती है। तो जदों ये होर वड्डा हो जाता है जो ये बर तो बनने वाले जीव की बॉडी या कह दी जो शरीर पूरा जो होर जीव जो होर विकसित हो जाता है तो अपनी इस मेन बॉडी को यह वक्रा होकर एक नवा जीव बना लेता है। इस प्रकार हाइड्रा वर्गे वो जीव जिन्होंने पुनर्जन्म की क्षमता होंगी है वह जीव की करते हैं बडिंग विधि राही भी प्रजनन करते हैं। हुण आपां अलिंगी प्रजनन की पंजवीं विधि कायिक प्रजनन बारे गल करांगे। कायिक प्रजनन इसनूं वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अक्सर बहुत सारे पेड़ पौधे इस विधि राही प्रजनन करते हैं, जिवें कि गन्ना केला संतरा अंगूर जिन्हां विच बीज बनाने की क्षमता नहीं होंगी या बीज बनाने की क्षमता जिहड़े पौधे खो चुके हैं वह प्रजनन की इस विधि कायिक प्रजनन के राही प्रजनन करते हैं, अपनी पौधे की संख्या में वाधा करते हैं। आप जिन्हें देखा है गुलाब, गुलाब का बीज नहीं होता, आप गुलाब दी कलमा लैके आने गुलाब के तने कट के वे वखरे वखरे कलमा बना दी जाए हैं, तो उन्होंने कलमा आप जमीन के लाने हाँ तो एक नवा पौधा गुलाब का अपने घर उग जाता है। इसे तरीके जो किसान गन्ना बीजता है तो वह भी गन्ने का बीज लैके नहीं सुटते, गन्ने का जो तना होंगे है उसको कट के नवे पौधे बनाए जाते हैं। इसे तरह आलू है, तो इसे तरह ब्रायोफाइलम की आप गल करते हैं, कि गल करते हैं ब्रायोफाइलम, तो इसमें आप पत्थर चट भी कहते हैं, की कहने पत्थर चट। पत्थर चट का तुम पत्ता आम करके वेख्या होगा कि इस तरीके का पत्ता होंगे, ये
ਇਹ ਪਤਝੜ ਦਾ ਪੱਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪੱਤੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਲੀ ਹੋਏਗੀ ਛੋਟੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਲੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਕਾਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 2 ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੈਂਟਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੇਮ ਹੂਬਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਕਾਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ 6ਵੀਂ ਵਿਧੀ ਹੈ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨੇਕ ਸਰਲ ਬਹੁਸੈਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਸਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਸੰਚਨਾਵਾਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਥੱਲੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ ਇਹ ਬ੍ਰੈਡ ਮੋਲਡ ਰਾਈਜੋਬਸ ਦੇ ਹਾਈਫੇ ਹਨ ਕੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਫੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲ ਗੁੱਛੇਦਾਰ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀਜਾਣੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੀਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਰਚਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਿੰਜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਿੰਜੀਆ ਇਹ ਸਪੋਰਿੰਜੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੀਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਥੈਲੀ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੀਜਾਣੂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੀਜਾਣੂ ਪੁੰਗਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਾਈਜੋਪਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਈਜੋਪਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਮੋਲਡ ਰਾਈਜੋਪਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਈਜੋਪਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਹ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ